हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने अपने NCERT के नए सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं, एंड जिनमें से एक मेजर चेंज है इस्लामिक एम्पायर्स और मुगल से रिलेटेड चैप्टर्स को रिमूव कर देना। अब ऑब्वियसली इस चेंज के साथ आ गया है एक नया कम्युनल टेंशन। अब इस चीज में काफी लोग का ये कहना है कि प्रेजेंट सरकार इस्लामिक एम्पायर के रिच हेरिटेज को मिटा देना चाहती है ताकि वो हिंदुत्व प्रमोट कर सके। अब वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, लेट्स फाइंड आउट। So, सबसे पहले जानते हैं द लेफ्टिस्ट व्यू। 14 जुलाई 2021 को प्रोफेशनल हिस्टोरियंस की सबसे बड़ी कमेटी यानी कि द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस IHC ने एक लेटर पब्लिश किया था रिगार्डिंग द चेंजेस इन द NCERT टेक्स्ट बुक्स। और उस लेटर के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के स्कूल टेक्स्ट बुक्स में जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं एकेडमिक रीजन से नहीं बल्कि पॉलिटिकल रीजन से। ये स्टेटमेंट पास किया गया था, यानी कि बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि ये सब कुछ सेंटर की हिंदुत्व राजनीति के लिए किया जा रहा है। अब चलो इस पर ये जानते हैं कि ऑपोजिट साइड का क्या व्यू है, आई मीन द राइटेस्ट व्यू। सो राज्यसभा सेक्रेटरीट ने पिछले साल एक नोटिस जारी किया था जिसमें उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी जल्द ही NCERT के टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में रिफॉर्म्स या फिर चेंजेस लाने के ऊपर डिस्कशन करने वाली है ताकि उनमें नेशनल हीरो से संबंधित अनहिस्टोरिकल फैक्ट्स और डिस्टॉर्शंस को निकाला जा सके। सेकेंड, इंडियन हिस्ट्री के सभी पीरियड्स को इक्वल या फिर प्रोपोर्शनेट रेफरेंसेस दिए जा सके। एंड थर्डली, हमारे देश के ग्रेट हिस्टोरिक वुमेन हीरोज के रोल्स को भी हाईलाइट किया जा सके। यानी कि बेसिकली दे बिलीव कि करंट टेक्स्ट बुक्स में व्हाइट वॉशिंग बहुत हद तक की गई थी एंड दिस इज द टाइम टू एंड दैट ट्रेंड। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने NCERT के सिलेबस से क्या क्या निकलवाया। सो वेल, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, NCERT के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में से जो भी चीजें निकाली गई है वो है, सबसे पहले पाकिस्तानी उर्दू पोएट फैज़ अहमद फैज़ के दो पोएम्स के कुछ ट्रांसलेटेड वर्सेस, जो बाय द वे क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 नाम की बुक में प्रिंटेड था। नंबर 2, क्लास 11 की हिस्ट्री सिलेबस में मौजूद सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, ये जो चैप्टर है जो इस्लाम और उसके राइज और कैलिफेट मूवमेंट के बारे में बता रहा है, उसको भी हटाया गया। नंबर 3, CBSE क्लास 12 की हिस्ट्री सिलेबस में मौजूद द मुगल कोर्ट नाम का चैप्टर जो बेसिकली सारी मुगल हिस्ट्री को बयान करता है। नंबर 4, क्लास 10th करिकुलम की फूड सिक्योरिटी चैप्टर में से इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर वाला सेक्शन। एंड नंबर 5, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस करिकुलम का कोल्ड वॉर एरा और उस दौरान नेहरू गवर्नमेंट ने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपनाया था वो भी। अब वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो सिर्फ कुछ ही चीजें थी, बट इनके अलावा भी काफी सारी चीजें निकाली गई, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट। इसलिए अब जो मेजर सवाल है वो ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेफ्ट और राइट नैरेटिव, एक्चुअल रीजंस क्या थे ये सब निकालने के लिए। सो वेल, अगर NCERT की माने तो उन्हें CBSE से आदेश मिला था टू रिड्यूस द सिलेबस ऑफ 9 टू 12 स्टैंडर्ड बाय 30% ताकि उनके ऊपर का बर्डन कम हो जा सके। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि सिर्फ हिस्ट्री के चैप्टर्स को नहीं छांटा गया जैसे काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स में पोर्ट्रे किया जा रहा है, रिडक्शन तो असल में बाकी सब्जेक्ट्स में भी किए जा रहे हैं और वो भी पिछले 2 सालों में, एंड वो भी रिडक्शन किया जा रहा है 1500 से भी ज्यादा एजुकेशनिस्ट के सजेशंस लेने के बाद। नाउ बाय द वे, डिलीटेड सिलेबस की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, उस पर क्लिक करके आप खुद भी देख सकते हो कि सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि बाकी कई सारे सब्जेक्ट्स में भी चेंजेस किए गए हैं। बट वेट अ मिनट, जस्ट बिकॉज 1500 एजुकेशनिस्ट के सजेशंस लिए गए हैं, डज दैट रियली मीन कि हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में जो भी निकाला गया उसे निकालना सही था? आई मीन CBSE NCERT का ये मूव कितना सही था और कितना गलत था? एंड वेल, फॉर दैट लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। नाउ प्रेजेंट रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में वेस्टर्न कंट्रीज से आए रिपीटेड प्रेशर के बावजूद भी इंडिया रिफ्यूज टू टेक एनी साइड्स ताकि इस लड़ाई झगड़े में इंडिया उनसे दूर होके अपने डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर सके। बट इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को इंडिया के इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज में किसने इनकॉर्पोरेट किया था? यस, सही जवाब, उस वक्त की नेहरू जी की सरकार ने, जिन्होंने उस समय के US रशिया कोल्ड वॉर के समय किसी की भी साइड लेने से इनकार कर दिया था। सो इन अ वे, सिंस ये कॉन्सेप्ट इंडिया के मामले में उस वक्त भी रेलेवेंट था और आज भी रेलेवेंट है, उसे यू कम्प्लीटली स्क्रेप आउट कर देना अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन इज नॉट वेरी करेक्ट। अब हालांकि इसी में एक और बात आ जाती है कि सिर्फ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ने के लिए हमें पूरा रशिया US का कोल्ड वॉर रटने की क्या जरूरत है? हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही सीखना काफी है ना कि US रशिया कोल्ड वॉर में साइड लेने वाली सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ क्या हुआ था, कैसे वो ऑटोमेटिकली टेररिज्म के चपेट में आ गई थी और कैसे इंडिया के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने उसे ऐसी सिमिलर गलती करने से बचा लिया था। नाउ नंबर 2, अब बात करते हैं अबाउट रिमूवल ऑफ द मुगल एंड इस्लामिक एम्पायर्स हिस्ट्री। अब देखो, पुराने NCERT के 7th और 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स में मुगल इन्वेडर्स की हिस्ट्री को काफी एक तरफा होकर बताया गया है, यानी मेजरली उनके सिर्फ पॉजिटिव साइड ज्यादा बताए गए हैं और नेगेटिव साइड थोड़े कम बताए गए हैं या फिर उतना एम्फेसिस नहीं डाला गया है। एंड ये सिर्फ मैं हवे में नहीं बोल रही हूँ, आई हैव प्रूफ्स फॉर दैट। मिसाल के तौर पर यही
ही ले लो। क्लास 8 की टेक्स्ट बुक में ये कहा गया है कि मैसूर का टीपू सुल्तान वाज़ द टाइगर ऑफ मैसूर एंड उसने सॉर्ट ऑफ हमें ब्रिटिशर्स से आजादी दिलाने में मदद की थी। अब देखो ये बात तो कम्प्लीटली सच है एंड वी ऑल शुड अप्रिशिएट दैट, लेकिन ये सिर्फ एक आधा सच है, क्योंकि ये किसी ने नहीं बताया कि टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को बाहर खदेड़ने की कोशिश तो की थी, बट ऑन द डील दैट उन्हें निकालने के बाद वो उस छुड़ाए हुए लैंड को इक्वली आपस में बांट लेंगी। सो नाउ, क्या वो एग्जैक्टली इंडिया को डिफेंड कर रहा था या अपने खुद के किंगडम को? एग्जाम्पल नंबर 2, क्लास 7 के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पर लिखा गया है दैट सुल्तान महमूद गजनी ने टेंपल्स को पैसों के लिए तोड़ा था एंड नॉन मुस्लिम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं तोड़ा था, लेकिन दिस इज ऑल्सो हाफ ट्रूथ। In fact, it is completely false, क्योंकि बादशाह अकबर के आदेश पर लिखी गई तारीखी अल्फी के अनुसार ब्राह्मिन्स अपने सोमनाथ टेंपल को बचाने के लिए पैसे देने के लिए तब भी तैयार थे, बट सुल्तान महमूद डिस्ट्रॉयड इट एनीवे। देन अगेन एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 35 पर लिखा गया है कि सल्तनत पेजेंट्स के टैक्सेस कलेक्ट करती थी और लोगों को सही मायने में इंसाफ दिलाती थी, बट फिरोज तुगलक की किताब फुतूहत ई फिरोज शाही में काफी प्राउडली बताया गया है कि वो नॉन मुस्लिम से एक्स्ट्रा टैक्स लिया करते थे कॉल्ड जिजिया, एंड जिससे बचने के लिए पैसे नहीं देने के लिए लोग धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट भी हो रहे थे। नाउ माइंड यू, मैं यहाँ पर मुगल रूलर्स की बात कर रही हूँ, रिलीजन की नहीं। नाउ अकेले 7th एंड 8th चाइना की हिस्ट्री टेक्सबुक में ही ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इन रूलर्स के, जिनकी प्रोफेसर नीरज अत्री ने प्रूफ्स के साथ पूरा एक लिस्ट बना दिया है, वो लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज हैव अ लुक, आपको समझेगा कि कैसे हमारे करिकुलम में काफी हद तक फॉल्स बातें या फिर हाफ इन्फॉर्मेशन दिया गया। नाउ चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि फिलहाल मेरा मकसद इन्हें डीमोनाइज करना नहीं है, मेरा मकसद है उन हिस्टोरियंस को एक्सपोज करना जो सभी मुगल रूलर्स के आगे बिना भूले हर जगह सुल्तान या फिर एम्परर ये टैग लगाते थे, पर छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक चीफटन कहकर पुकारते थे, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। नाउ इन हिस्टोरियंस के इसी नैरेटिव बिल्डिंग को एक्सपोज करने के लिए हमने एक और वीडियो भी पास में बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, वो डिटेल में जाता है कि काफी सारे कैसे हमारे हिस्ट्री के इन्फॉर्मेशन को हाफ बेक्ड या फिर कम्प्लीटली फॉल्स बताया गया। इनफैक्ट आई वुड से कि इन हिस्टोरियंस ने हमारे मुगल रूलर्स को इतना डिटेल में कवर किया गया है कि हम में से कई सारे लोग हमारे इंडियन रूलर्स को ही नहीं जानते हैं, उनके डायनेस्टीज के नाम तक नहीं जानते, एंड उन रूलर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन को जानना तो दूर की बात है। मिसाल के तौर पर राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र द्वारा 6th सेंचुरी एडी में बनाई गई गुर्जा प्रतिहारा डायनेस्टी के वंशज राजा नागभट्टा वन ने अरब उमाहिद खलीफेत के कमांडर्स जुनैद और तामिन को काफी सक्सेसफुली हराया था, और जब तक वो रूल कर रहे थे फ्रॉम 730 टू 756 एडी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से किसी की भी इंडिया पर इन्वेजन करने की हिम्मत ही नहीं थी। देन नंबर 2, कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी के राजा ललितादित्य को कश्मीर का अलेक्जेंडर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी 724 से 761 एडी तक कश्मीर पर रूल किया था और अपने एम्पायर को ईरान से लेकर चाइना तक एक्सपांड भी किया था। फिर नंबर 3, छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ 150 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी और एक भी नहीं हारे थे, एंड जिसके चलते उनको खत्म करने के लिए आखिर में औरंगजेब को धोखे का इस्तेमाल करना पड़ा था। औरंगजेब ने उन्हें करीब 40 दिनों तक टॉर्चर किया था टू मेक हिम कन्वर्ट टू इस्लाम, लेकिन उनके स्किन छीनने, जुबान काटने, नाखून उखाड़ने और आंखों में जलते रॉड्स डालने के बाद भी वो अपने उसूलों पर खड़े थे। इनफैक्ट उनकी मौत के बाद ही मराठाओं ने मिलकर औरंगजेब को मार डाला था। एंड माइंड यू, दिस डज नॉट एंड हियर। इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ रूलर्स, साउथ की चोला डायनेस्टी, नॉर्थ ईस्ट की अहोम एम्पायर, शुंगा एम्पायर एंड व्हाट नॉट, बट अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कोई भी देश तरक्की कैसे करता है जब उस देश के लोग, उस देश का बच्चा बच्चा एक नेशनलिस्ट होगा, एक देश प्रेमी होगा। अब चलो इंडिया का आज का प्रेजेंट टाइम ही ले लो, आपके क्लास के आपके बैचमेट्स में से एटलीस्ट 60% लोग एब्रॉड में सेटल रहेंगे, एंड अगर आप किसी को पूछोगे भी तो उसको यही करना है, बाहर जाके अपनी जिंदगी बनानी है। बट इफ इंडिया वॉन्ट्स टू विन, इफ इंडिया वॉन्ट्स इट्स नेक्स्ट जनरेशन टू बी ट्रू नेशनलिस्ट, इंडिया को उन्हें बताना होगा कि वो एक रिच हेरिटेज के हैं। हमें हमारे बच्चों को ये नहीं बताना होगा कि कोई बाहर से लोग आए इंडिया पे आक्रमण किए और इंडिया को बाकी लोगों से बचा के रखे, उन्होंने इंडिया को बचाया। हमें उन्हें ये बताना होगा कि इंडियंस हैव नॉट ऑलवेज बीन रूल्ड अपॉन और बीन स्लेव्स, एंड जब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस ये पढ़ के बड़े होंगे कि हमारी हिस्ट्री कितनी पावरफुल थी, कितनी ब्रेव थी, तो वो अपने कंट्री पे प्राउड फील करेंगे एंड तब वो ट्रू सेंस में नेशनलिस्ट बनेंगे। क्योंकि एकदम सिंपल सी बात है, जब आप अपने लोग, अपने कल्चर या फिर अपने हेरिटेज के बारे में कुछ पॉजिटिव पढ़ते हो, तभी ही आपके मन में आपके देश के लिए भी पेट्रियोटिक सेंटिमेंट बढ़ता है। एंड नॉट जस्ट हिस्ट्री, बल्कि इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर को भी पॉजिटिव लाइट में शोकेस करना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये सोच के नहीं बड़े हुए कि वो वेस्ट का कल्चर हमसे बेहतर है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर इंडिया और उनके ट्रेडिशंस के बारे में इतनी नेगेटिविटी फैलाई जाएगी, तो क्या कोई देश छोड़कर नहीं जाएगा? क्यों कोई अपने कल्चर पर शर्मिंदा नहीं होगा? एंड लास्टली, इज दैट व्हाट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आर मेंट फॉर?
सो वेल, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। आपका इस पूरे इशू पे क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि सीबीएसई ने जो चैप्टर्स डिलीट करवाए मुगल एम्पायर को लेके, क्या वो सही किया या गलत किया? एंड जो मेरा सजेशन है कि हमें इंडियन रूलर्स के स्ट्रेंथ, उनके वेलर, उनकी ब्रेवरी के बारे में चैप्टर ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? वेल, आपके जो भी ओपिनियन है, आप इसके बारे में जो भी सोचते हो, मेरे से एग्री करते हो नहीं एग्री करते हो, जो भी है, प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। एंड इनफैक्ट मैंने पास के फ्रंट वीडियो में देखा है कि काफी सारे लोग काफी बड़े बड़े अपने ओपिनियंस के बारे में मैसेजेस लिख के भेज रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, मैं उनमें से जितना हो सके पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एंड द फैक्ट दैट कि आप इतना इंटरेक्ट कर रहे हो, मैं उसी में खुश हूँ। इसके अलावा मैंने ये वीडियो में जो भी बोला है, अगर आप उससे सहमत हो और आप ये चाहते हो कि हर इंडियन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। इसके अलावा ऐसे ही सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फॉर फन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। अब फ्लर्नर्स, नाउ दैट द वीडियो इज एंडेड, इट इज टाइम फॉर यू टू गो एंड अर्न सम मनी। गो एंड डाउनलोड क्विजी एप्लीकेशन और वहां पे जाके क्विजेस खेलो और पैसे कमाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।